Hello students, good morning. As yesterday, I have given you some homework regarding the exercises of the chapter. Let us discuss the answers of these exercises. First of all, we will do true or false. So, the first statement is, cutting of a bar magnet into halves is a physical change. So, बिल्कुल सही बात है, answer इसका होगा आपका true. Second, केमिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल. बेटा केमिकल चेंजेस आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं और वो इररिवर्सिबल होते हैं. एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए आपका ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपका फॉल्स हो गया. थर्ड, क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज. यस, क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, तो ये एक तरीके का आपका फिजिकल चेंज है. फोर्थ वन, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड आयरन. दिस इज फॉल्स बिकॉज ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट इज यूवी रेज फ्रॉम द सन कॉजेज स्किन कैंसर. यस, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं अर्थ पे पड़ते हैं, अगर हमारी स्किन पे पड़ रहे हैं तो आपको कैंसर कॉज हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है बेटा. Now, moving to the match the following. First one, freezing of water. पानी बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक तरीके का ये फिजिकल चेंज है, तो आपका ये वन. Second, endothermic reaction. Endothermic reaction में heat absorb हो जाती है, तो आपका ये heat absorbed. Third, burning of crackers. तो burning of crackers में क्या होगा कि ये किस तरीके का चेंज है आप कह सकते हैं. बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आपका केमिकल चेंज है. नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है बेटा, ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, तो हम इसको मैच करा सकते हैं इससे, ओजोन लेयर डिप्लीशन. लास्ट है हमारा गैल्वनाइजेशन, और गैल्वनाइजेशन से क्या होता है, रस्टिंग हमारी प्रिवेंट होती है, एक मेथड होता है रस्टिंग को रोकने के लिए, तो आवर आंसर इज दिस, प्रिवेंट रस्टिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज गिव वन वर्ड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस दैट कम्स आउट व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद विनेगर. जब भी बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ मिक्स करते हैं, एक गैस बाहर निकलती है, तो वो गैस का नाम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड वन, वट काइंड ऑफ चेंज टेक प्लेस वेन यू आर सेटिंग कर्ड. जब भी आप मिल्क से कर्ड बनाते हो, तो ये एक तरीके का केमिकल चेंज है बेटा, केमिकल चेंज. थर्ड, नेम अ प्रोसेस थ्रू विच यू कैन सेव आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रस्टिंग. बेटा बहुत सारे मेथड हैं, आप कोई सा भी एक लिख सकते हो. मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑयलिंग, आप ग्रीसिंग, पेंटिंग, गैल्वनाइज कुछ भी लिख सकते हैं. फोर्थ वन, रिलीज ऑफ विच कैन कॉज होल्स इन द ओजोन लेयर. एज आई टोल्ड अर्लियर, ओजोन लेयर डिप्लीशन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो सकता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स. शॉर्ट में इसको बोलते हैं CFCS. एंड लास्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन गेट प्योर सब्सटेंस लाइक कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट पाने के लिए एक प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस है, जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन. TALLISATION, क्रिस्टलाइजेशन. So, beta, check your answers, and if the answer is wrong, then correct it. Thank you.